नमस्कार, आदाब, सलाम। हेल्दी हम की आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको भी एनीमिया की प्रॉब्लम है, आपको भी वाइट डिस्चार्ज होता है, पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लो आता है या फिर बहुत कम आता है, पीठ में दर्द रहता है, पैरों और जांघों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में ऐठन रहती है, साथ ही साथ में आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, तो आज आपके मैं जो बात करने जा रही हूँ आपके लिए, एक सिरप लेके आई हूँ मैं जिससे आप इन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इस सिरप की जो डिटेलिंग वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, नारी पतंजलि नारी सुधा सिरप डिटेलिंग वीडियो आप पहले देख सकते हैं, उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है, इसके यूज़ सब कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है। तो इस वीडियो में ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाते हुए बात करते हैं इसके जो यूज़ की है। यूज़ है इसके, पीरियड के टाइम में जो प्रॉब्लम होती है, जिसको बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, उसको कमज़ोरी आ जाती है, तो उसको दूर करता है, PCOD और PCOS जैसी समस्याओं को दूर करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, इन्फेक्शन की वजह से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये उस हार्मोन्स को जो नियमित रूप से अच्छे नहीं होते उनको अच्छा करके इस प्रॉब्लम को भी दूर करता है। हीमोग्लोबिन की कमी जिसके अंदर है उसको दूर करता है। मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उन तरीके की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। बात करते हैं इसके सेवन का तरीका, जो कि मेन पॉइंट है। इसका बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरी आ रही थी जो इसकी पहली वीडियो थी उस पर, तो इसका सेवन का तरीका बहुत सिंपल सा है। आपको इसको दवा को गुनगुने पानी में डालकर दिन में दो बार लेना है, एक टेबलस्पून सुबह, एक टेबलस्पून आपको शाम में लेनी है। बच्चे इसका यूज़ ना करें। अगर आपकी एज 13 या 14 साल हो चुकी है और आपको पीरियड शुरू हो गया है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।